हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। चंबा के गांव में एक मकान बारिश की चपेट में आ गया। इस हादसे में कमरे में सो रहे 15 साल के विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के खेतों में पानी वे मलवा भर गया। चंकोली में एक मकान डैमेज हो गया। पहाड़ी से भारी भरकम चट्टाने पुल पर आ गिरी, जिससे पुल टूटकर गिर गया। बादल फटने के कारण चार पुलियों के साथ तीन घराट बह गए। एक कार मलबे में दब गई। इसके साथ ही घरों व बाजार में पानी भी घुस गया। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह चंबा के गाँव में तबाही आ चुकी है। बादल फटने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। बादल फटने के कारण भारी मात्रा में मलवा पानी के साथ बहने लगा, जिससे तबाही का मंजर पैदा हो गया। बादल फटने के बाद स्थानीय लोग बुरी तरह से सहम गए हैं। उपमंडल सलूनी में कितना नुकसान हुआ है, इसका सही पता प्रशासन की ओर से रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही पता लगेगा। वहीं भारी वर्षा के चलते चंबा तिस्सा मार्ग खालू मंदिर के पास भारी मात्रा में पानी आने के चलते बाधित हो गया है। बारिश का दौर जारी होने के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कारें तबाही के साथ पानी में धसी हुई हैं। इसके बाद अब प्रशासन ने बचाव व राहत कार्य करवा दिया है। सभी पंचायतों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। लोगों को सुरक्षित रहने को प्रशासन की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज के साथ।